दोस्तों, पहले पार्ट में हम सलमान खान के जीवन की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बात कर चुके हैं और बाकी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने प्यार क्यों किया के बाद सलमान खान की लगातार कई फिल्में 4 सालों तक फ्लॉप होती रही, जैसे शादी करके फंस गया यार, युवराज, गॉड टू सी ग्रेट हो, क्योंकि सलाम ए इश्क, बाबुल और जाने मन जैसी फिल्में फ्लॉप रही और ये माना जाने लगा कि सलमान का करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर पार्टनर और वांटेड जैसी फिल्में सलमान खान को फिर से मार्केट में ले आई और इसके बाद उनकी कई लगातार हिट फिल्में आई, जैसे दबंग, दबंग 2, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, रेडी, बॉडीगार्ड और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में। और उनकी पिछली दो फिल्में ट्यूबलाइट और रेस 3, जिसे दर्शकों ने पसंद नहीं किया। और इस ईद पर आने वाली उनकी फिल्म है भारत, देखते हैं इसे कैसा रिस्पांस मिलता है। इसके ट्रेलर को तो दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, अब देखना यह है कि फिल्म कैसी जाती है। फिल्म चिल्लर पार्टी को देखकर सलमान इतने प्रभावित हुए कि वो फौरन उसके निर्माता बन गए। कुछ सालों पहले जब रणबीर कपूर फिल्मों में नहीं आए थे, तब एक दिन सलमान खान और रणबीर कपूर के बीच एक क्लब में हाथापाई हो गई थी और फिर पिता सलीम खान के कहने पर सलमान खान ने ऋषि कपूर के घर जाकर उनसे माफी मांगी। सलमान खान अपने पिता से बहुत डरते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। सलमान खान अपने दोस्तों की फिल्मों में काम करने के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। वो स्क्रिप्ट या कहानी या अपने रोल के बारे में कुछ भी नहीं पूछते, बस ये कहते हैं कि बताओ कब आना है। सलमान खान के पिता मुसलमान, उनकी पहली माँ हिंदू और उनकी दूसरी माँ ईसाई है, इसीलिए सलमान हर त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। उनका ये कहना है कि उनका परिवार मिनी इंडिया है। सलमान खान की संस्था का नाम बीइंग ह्यूमन है। इस संस्था के जरिए वो जरूरतमंदों की बहुत मदद करते हैं और जो भी लोग बीइंग ह्यूमन की नकली टी शर्ट पहनते हैं, सलमान खान उन पर गुस्सा हो जाते हैं। देश के कई शहरों में बीइंग ह्यूमन शॉप खोली गई है और इससे होने वाली कमाई के जरिए जरूरतमंदों की मदद की जाती है और इस कमाई को भलाई के कार्यों में लगाया जाता है। सलमान खान एक्टर होने के साथ साथ राइटर और पेंटर भी है। फिल्म वीर की कहानी सलमान खान ने लिखी थी और साथ ही साथ जय हो के पोस्टर भी सलमान खान ने ही पेंट किए थे। विवादों से भी सलमान खान का बहुत गहरा नाता रहा है। कुछ सालों पहले सलमान बहुत शराब पिया करते थे, फिर एक दिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री के लोग सलमान खान को भाई कहकर बुलाते हैं प्यार से और उनसे डरते भी है, मगर सलमान को ये पसंद नहीं कि कोई उन्हें भाई कहकर बुलाए। सलमान खान को फिल्म का प्रचार करना और इंटरव्यू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिल्म की पब्लिसिटी के लिए उन्हें ये ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। सलमान खान महंगी कारों और बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन हैं और उनके पास एक से एक महंगी कारें हैं, मगर आपको ये भी बता दें कि सलमान खान को साइकिलिंग करना भी बहुत ज्यादा पसंद है और कई बार वे मुंबई की सड़कों पर साइकिल लेकर निकल जाते हैं। सलमान का कहना है कि वे एक्टिंग नहीं करते, वे जैसे हैं वैसे ही पर्दे पर नजर आते हैं और लोग उन्हें इसी तरह से पसंद करते हैं। सलमान एकमात्र ऐसे स्टार है, जब भी वो स्क्रीन पर अपनी शर्ट उतारते हैं, दर्शक सबसे ज्यादा तालियां पीटते हैं। तो दोस्तों, ये था सलमान खान के बारे में दिलचस्प बातों का ये दूसरा वीडियो। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।